नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चमोली में बीते दिनों ग्लेशियर टूटा था, जिसके चलते अब अलर्ट पर है यूपी। बनारस बलिया तक हो रही गंगा की जलस्तर की निगरानी, प्रशासन को नदी के जलस्तर पर निगरानी रखने के आदेश यहां पर दे दिए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, सीएम योगी ने कहा है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सभी जिलों के डीएम और एसएसपी एसपी को पूरी तरीके से सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्लेशियर टूटने से निचले इलाके होकर गुजरने वाली नदियों में पानी भरने की आशंका है, जिसके चलते यहां पर अलर्ट पर रहना होगा। लिहाजा यूपी सरकार ने उन सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है जहां से गंगा नदी गुजरती है। प्रशासन को नदी के जल स्तर पर निगरानी रखने के आदेश यहां पर दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश दे दिए कि अगर नदी में जल स्तर की बढ़ोतरी होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें, और जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनको तुरंत ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड से भयानक तस्वीर सामने आई थी, जहां पर ग्लेशियर फटने से बाढ़ आ गई थी और ऐसे में काफी लोग उस बाढ़ की चपेट में आए थे, इसके चलते अब यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। यूपी में नदियों का जल स्तर अगर बढ़ता है तो ऐसे में 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश यहां पर दे दिए हैं, और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर जल स्तर बढ़ता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि ग्लेशियर टूटने से अब अलर्ट पर है यूपी। बनारस बलिया तक गंगा की जल स्तर की निगरानी हो रही है, प्रशासन को नदी के जल स्तर पर निगरानी रखने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। ये बड़े आदेश सभी जिलों के डीएम एसएसपी और एसपी को दे दिए गए हैं, और साफ तौर पर यह कह दिया है कि सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर यहां पर नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो फौरन कार्रवाई की जाए। निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको तुरंत ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया जाए।